जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला पत्रकार, अपने कार्यालय के अंदर मौजूद हूं। और ये अजय यादव जी हैं, सुमित यादव जी हैं, और जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, यूपी से। इन्होंने हमारी रिपोर्टिंग देखी, कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो इनको लगा कि मैं एक खास मुलाकात करना चाहता हूं, या मुझे भी अच्छा लगा जब ये यहां पर पहुंचे। तो इनसे ऑफ कैमरा, बिना कैमरे के रिकॉर्डिंग पे हमने पहले इनसे बात करी कि ताज्जुब की बात है कि इनकी उम्र 20 साल की, और 20 साल की उम्र में ये अपने कानपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पहले तो ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था, और दूसरा कि पहले तो इनकी उम्र कम, दूसरा 20 साल की उम्र में ये चुनाव लड़ने के इरादे से लड़ रहे हैं। क्यों? इनको देश की सेवा करनी है। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे देश की सेवा करनी है। तो मुझे लगा कि इन चीज बातों को, जो मैंने बिना कैमरे की ये बातें, एक बार समाज के सामने आए, जनता के सामने आए, ताकि उनको भी एक अच्छी मैसेज मिले और इनके जो विचार हैं वो आप तक भी पहुंच सके। तो एक बार खास मुलाकात करते हैं सुमित यादव जी से। सुमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका हमारे दफ्तर में। 20 साल की उम्र है आपकी, और सुमित यादव, क्योंकि कानपुर से हो तो मतलब कहीं ना कहीं यूपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जज्बा लगता है, मुझे होता है काम का। अच्छा, अपना परिचय एक बार देंगे सबसे पहले। मेरा नाम सुमित यादव है, मैं कानपुर देहात का नगर का रहने वाला हूँ। मैं छोटे से ना मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव? वो तो मैंने सारा जाना, 20 साल की उम्र में मन में आ गया यार आपके, मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसा क्यों? मुझे जनता की सेवा करनी है। मेरे गांव में अभी तक जो चुनाव लड़े भाजपा के लिए, 2 साल भाजपा रही, उसके बाद सत्ता रहती रही थी, इसलिए मैं भाजपा ने जो काम किया, वादा किया, वो पूरे नहीं किए। सिर्फ 4 साल तक आते रहे, आए भी नहीं देखने। अब की जो आ रहे समय वोट की वजह से आ रहे, गरीब लोगों को राशन दिया गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं सेवा करूंगा गाँव की। ऐसी आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जो पूरी नहीं हो पाई ईमानदारी से? मेरी गाँव की सेवा, जो गरीब लोग हैं झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको कॉलोनी दिया का वादा किया गया था। अच्छा। अभी तक कॉलोनी नहीं पहुंची है। अच्छा, कॉलोनी बीच में दी भी गई, बीच में लौटार भी ले गई, मतलब कॉलोनी दी और फिर वापस ले ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और वहाँ पे जो गैस की महंगाई है, पहले 700 रुपए का सिलेंडर था, अब इस समय होगा 1150 रुपए का, इसलिए हो गया। पहले दूध की महंगाई थी, दूध 40 रुपए था, इस समय 65 रुपए हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं बाद विकास करूंगा जिले का। अच्छा, अभी चुनाव लड़के आपको लगता है इन समस्याओं का समाधान आप कर पाओगे? दूध की रेट कम करवाना, गैस सिलेंडर की रेट कम करवाना, आप कैसे करवा पाओगे? मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा जी, इन चीजों के ऊपर। हाँ जी। वाकई दोस्तों बड़े ताज्जुब की बात है कि देखो, एक तो इनकी उम्र कम है, इस उम्र में इतनी बड़ी बातें करना, क्योंकि आज के भ्रष्ट नेता संसद भवन में, विधानसभा में बैठकर महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि इस भाई ने अभी चुनाव लड़ने से पहले जो चर्चा की है वो महंगाई के ऊपर की है कि मैं सबसे पहले महंगाई को कम करूंगा, फिर चाहे वो सिलेंडर की समस्या बताई हो महंगाई पर, फिर चाहे वो दूध की महंगाई पर बताई हो। आज क्या किया? पेट्रोल पहले 60 रुपए था, इस समय 105 रुपए हो गया है। पेट्रोल से आदमी कम चल रहा है, इसमें साइकिल चल रही है। हाँ जी। तो इस भाई की इस चीज में भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के भ्रष्ट नेता संसद भवन और विधानसभा में बैठ के महंगाई की चर्चा नहीं करते। जो भाई अभी चुनाव लड़ने से पहले जो है महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा यार भाई, एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को या देशवासियों को एक जरूर संशय रहता है कि व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और बड़े बड़े वायदे करता है, लेकिन जैसे ही चुनाव लड़के जीतता है तब उसका रंग रूप दोनों बदल जाता है, वो तुरंत भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। मैं जीता हूँ या हार जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जीतूंगा तब भी सेवा की जनता करूंगा, अधिकारियों से भी बात करूंगा, से नहीं जीता मैं तब भी अपनी कोशिश पूरी करूंगा जनता की सेवा सुनने के लिए। सिर्फ जनता की सेवा करनी है। अच्छा, इतनी सी उम्र में आप देश की सेवा, अलग रास्ता है, और बिजनेस कैसे चलेगा आपका, रोजी रोटी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा जब आप देश की सेवा में लग जाओगे? तो मैं, मेरे पास बिजनेस भी है, दुकान है, घर भी, दुकान है अंश बिल्डिंग मटेरियल की। अच्छा। हाँ जी। तो उससे आपका घर चल जाता है? घर चल जाता है। और मेरा भाई भी एक है, ब्लू डॉट कंपनी में काम करता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में क्या करते हो आप? मैं दिल्ली में प्रेस विश भी कुरियर डिलीवरी बॉय हूँ। डिलीवरी बॉय हो? हाँ जी। पूरा जज्बा है काम करने का? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और मुद्दों के ऊपर बात करूं, जैसे ये तो सिर्फ आपके अपने क्षेत्र में मुद्दे हैं, दिल्ली के अंदर आपको कितना समय हो गया? मुझे 1-2 साल हो गया है। क्या क्या समस्याएं देखी दिल्ली में? दिल्ली में क्या देखा आपने? मैंने दिल्ली में देखा एमसीडी के बारे में, जो चुनाव के वादा किए थे मनीष सोनकल ने,
कि मैं ये काम करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा। मनीष चौधरी ने हाँ। कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, जब तक चुनाव थे तब तक आते रहे, इस समय मंदिर के वही पार्क में भी नहीं आते हैं कि कभी मीटिंग हो जाए। और मैंने देखा, क्या नाम इनका है जो जीती हमारी तरफ से है, सोनाली जी, उनसे उन्होंने वादा किया था मैं करूंगा, वो भी जीती हैं। उन्होंने कहा मैं मंदिर बनवाऊंगा, अकेले नहीं बनवाऊंगा, मैं सारी विजय विहार फेस वन फेस टू के सब लोगों के रसीद, जो जितनी इच्छा होगी धनराशि की उतने सबसे लेकर एक मंदिर बनवाऊंगा मैं। सोलंकी जी जीती हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा है मैं मंदिर विजय विहार में उन्होंने बनवाने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब देखो इन्होंने दिल्ली की भी बताई जिस वार्ड में है ये, हालांकि वार्ड नंबर वो 21 या 22 लगता है, वो 21 वार्ड नंबर लगता है जहां पर विजय बिहार का, जिसमें अभी पुष्पा सोलंकी जी वहां से जीती हैं इसमें क्या नाम है निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी से। उसके बारे में इन्होंने बताया कि उन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर बनवाया जाए, हालांकि मुझे वो जगह नहीं पता है। और जो वहां से पूर्व निगम पार्षद है मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में हमेशा ईमानदारी से और नेक इरादों से काम करोगे। करेंगे, मैंने कसम भी खाई है, मैं चुनाव जीत गया मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, अभी नया साल आने वाला है, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? मैं सभी नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को, बड़े भाई बुजुर्ग दादा दादी उन लोगों को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनके नए जीवन में खुशी भाई। ठीक है, अच्छा लगा मुझे एक ऐसे भाई से बात करके कि जिसके अंदर सबसे कम उम्र के अंदर 20 साल की उम्र में इनके पास एक हौसला है और एक जज्बा है कि देश की सेवा करने का।